खंडवा जिले के मोदीनगर में बनने वाले कोविड सेंटर की व्यवस्थाओं को परखने के लिए वन मंत्री विजय शाह मोदी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। उन्होंने कहा कि जिले में पंधाना, मुंदी, हरसूद, खालवा चार स्थानों पर हम कोविड सेंटर आरंभ करने जा रहे हैं। आगामी कुछ दिनों में यहां सभी व्यवस्थाएं जुटा ली जाएगी। हमारा मकसद कम लक्षण वाले पॉजिटिव मरीजों को कोविड सेंटर में भर्ती रखकर उनका उपचार किया जाए, ताकि जिला अस्पताल के कोविड सेंटर पर निर्भरता कम हो, लोगों को अपने क्षेत्र में कोविड पॉजिटिव होने पर उपचार की व्यवस्था मिल जाए। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन और इंजेक्शन की कमी नहीं है, कोविड सेंटर में रहने और खाने की व्यवस्था सरकार करेगी। उन्होंने मांधाता विधायक नारायण पटेल के साथ मोदी के प्रस्तावित कोविड सेंटर का निरीक्षण किया और निर्देश दिए कि वाटर कूलर की व्यवस्था की जाए। मोदी से शाहरुख मंसूरी की रिपोर्ट। पूर्व महापौर वांगना जी, विधायक जी, हम लोग सब बैठे थे और मुंदी, पंधाना, हरसूद, खालवा ये चार सेंटर हम नए खोल रहे हैं और आप लोगों से भी अपेक्षा है कि प्रेस के माध्यम से भी जनता में ये संदेश पहुंचे और लोग अनावश्यक परेशान ना हो। इंजेक्शन की कमी नहीं है, ऑक्सीजन की कमी नहीं है और पूरी उनकी व्यवस्था सरकार करे, क्योंकि अब काम नया है, दो चार पाँच दिन हमको सेटअप होने में लगेगा। कोविड सेंटर तैयार हो रहा है 10 बेड का, तो इसमें ग्रामीण जैसे मांधाता क्षेत्र के लोग तो यहीं पर प्राथमिकता से आएंगे, लेकिन जो गंभीर है वो खंडवा भेज दिए जाएंगे और यहाँ वालों को जो खंडवा में रेमडेसिविर लग रहा है तो यहाँ पर जो मरीज हैं उनके लिए भी वो व्यवस्था रहेगी क्या? देखिए, उसके बारे में अभी चर्चा कर लेंगे। ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और जो कोविड के पेशेंट्स हैं उनको हो सकता है यहाँ भी लग जाए, वो बड़ी बात नहीं, लेकिन अभी किसी प्राइवेट हॉस्पिटल को हमने लगाने की अनुमति नहीं दी है। अगर वो कोविड वाला है और उसको इंजेक्शन की जरूरत है तो ये हम लोग बात करके तय कर लेंगे, लेकिन जो साधारण ऑक्सीजन पर रह सकता है वो अनावश्यक रूप से खंडवा में जाके भीड़ ना बढ़ाए। यहाँ जो भी पेशेंट भर्ती होगा उसके रहने, खाने, दवाई, दारू की सारी व्यवस्था सरकार करेगी। विधायक जी ने भी कुछ पैसे दिए अपने फंड से, सरकार भी दे रही है। ऑक्सीजन जनरेटर हमें दे रहे हैं जनता के सहयोग से, जन सहयोग से, जो बाकी यहाँ पर सारे काम हम कर रहे हैं, फॉल सीलिंग हो, चाहे टीबी हो, चाहे दूसरी जो पानी वानी की व्यवस्था है, आप सब लोगों के सहयोग से हम लोग कर रहे हैं और कोशिश हमारी ये है कि खंडवा में जाकर के अनावश्यक परेशान ना हो, सारी सुविधाएँ उनको यहाँ मिल जाए। जो क्वारंटाइन सेंटर हमने यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं वहाँ पर भी कई बार एक परिवार में एक कमरे में 5 लोग रहते हैं, एक लेटरिन में सबको उपयोग करते हैं, जो क्वारंटाइन के नियम तो ही टूट रहे और हो नहीं पा रहे, तो उन लोगों को भी क्वारंटाइन जो पॉजिटिव है और क्वारंटाइन हम यहाँ पे करेंगे, उनकी सारी व्यवस्था सरकार करेगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।